चंडीगढ़ से कर्मचारियों की समस्याओं के हल के लिए मुख्यमंत्री की ये पहल है, जिसमें 18 जुलाई को सीएम खट्टर ने मुख्यमंत्री निवास पर एक बैठक बुलाई है। बैठक में कर्मचारी नेताओं को बुलाया गया है और हरियाणा कर्मचारी महासंघ के महासचिव समेत कई ऐसे कर्मचारी नेता हैं जिनको कि इस बैठक में आने का निमंत्रण मिल चुका है। तो मुख्य सचिव कार्यालय के राजनीतिक और संसदीय कार्य विंग ने ये पत्र भेजा है। बैठक में कर्मचारियों की मांगे जो हैं उन पर चर्चा हो सकती है। बहुत अहम ये बैठक फिर होने वाली है, क्योंकि कर्मचारियों की काफी लंबित मांग है, जिनको लेकर हम देख रहे हैं कि काफी लंबे वक्त से वो प्रदर्शन भी करते आए हैं, आंदोलन भी करते आए हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने पहल की है कर्मचारियों की समस्याओं का हल निकालने के लिए। 18 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास पर एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कर्मचारी नेताओं को बुलाया गया है, जिसमें हरियाणा कर्मचारी महासंघ के महासचिव समेत कई कर्मचारी नेताओं को निमंत्रण मिला है। मुख्य सचिव कार्यालय के राजनीतिक और संसदीय कार्य विंग ने ये पत्र भेजा। बैठक में जो कर्मचारियों की मांगे हैं, कहा जा रहा है कि उन मांगों को लेकर चर्चा हो सकती है। हमारे साथ राकेश गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। राकेश जी, अच्छी पहल इसको कहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं लंबे वक्त से काफी ऐसी समस्याएं थी कर्मचारियों की, काफी ऐसी मांगे थी जिनको लेकर उन्होंने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया। अब 18 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास पर जो बैठक होने वाली है, क्या समझा जाए इसमें जो समस्याएं हैं उसका निवारण किया जाएगा या जो मांगे हैं उन पर चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल, जैसा आपने कहा पूजा, कि एक मुख्यमंत्री ने अच्छी पहल की है और अब कर्मचारी लगातार आप देख रहे हैं कि संघर्ष करते रहे हैं और मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाली है कि कर्मचारियों की मांगे जो हैं उन्हें कैसे निपटाया जाए। इसी कड़ी में जो है 18 जुलाई को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर कर्मचारियों की बैठक बुलाई है, महासंघ और हरियाणा कर्मचारी संघ के जो कर्मचारी हैं, नेता हैं, उन्हें बुलाया है और इस पर जो लंबित मांगे हैं उन पर चर्चा होगी और इस बात की पुष्टि जो है कर्मचारी संघ के जो या कर्मचारी नेता कहे उन्होंने खुद भी करनी शुरू कर दी है। आप जानते हैं कि कर्मचारियों की लंबी मांग रही है कि उन्हें HRA जो केंद्र की तर्ज पर है सातवें वेतन आयोग के तहत वो दिया जाए, क्योंकि ये लंबी मांग जो है इनकी नहीं पूरी हो रही है। इसके साथ कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की बात है और इसी के साथ जो पुरानी पेंशन नीति है उसे बहाल करने की बात है और खाली पड़े जो पद हैं, जो बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं उन्हें पक्का करने की बात है। रोडवेज हड़ताल के दौरान सभी विभागों के कर्मचारियों पर जो है उत्पीड़न की कार्रवाई की गई थी उसे खत्म करने की मांग है और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी इनके रिटायर्ड कर्मचारी जो हैं उन्हें भी पंजाब की तरफ पर जो ओल्ड एज अलाउंसेज हैं वो दिए जाने की बात है जी। और इसके साथ बिजली, पानी, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे विभागों में जो निजीकरण की बात है, अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की बात है, ठेका प्रथा को खत्म करने की बात है और जो जरूरत के मुताबिक नए जो पोस्ट हैं उन्हें क्रिएट करने की बात है। इस तरह की कई मांगे जो हैं कर्मचारियों की हैं। लगातार कर्मचारी आपने देखा, भले वह रोडवेज के हों, दूसरे अन्य कर्मचारी हों, लगातार संघर्षरत रहे हैं। इन सब को लेकर जो है मुख्यमंत्री कमान संभाल रहे हैं और 18 जुलाई की जो कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है कि किन किन मांगों पर जो है सरकार का क्या रुख रहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हम तक राकेश जी पहुंचाने के लिए। तो क्या रुख सरकार का रहेगा, क्योंकि पहल तो सरकार ने कर दी है लेकिन सभी मांगों को माना जाएगा नहीं माना जाएगा, या फिर कौन कौन सी ऐसी कर्मचारियों की मांगे हैं जिनको सरकार मान देगी, ये जरूर देखना होगा।